मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत को अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि उनके उसी दोस्त की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है जिसके घर वो ठहरे थे। सतीश कौशिक कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू के घर में थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी। अब विकास मालू की पत्नी ने ही दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर विकास मालू की नियत पर सवाल उठाए। सतीश कौशिक की मौत के मामले में नया मोड़। क्या मौत के पीछे थी दोस्त की साजिश? क्या दोस्ती के बीच आई थी पैसे की दरार? क्या है देनदारी के 15 करोड़ का राज? इस आर्ग्यूमेंट को मैंने सुना और मैंने रात को अपने हस्बैंड विकास मालू से पूछा कि ये किस बात के पैसे मांग रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि कोई पैसे इन्होंने मुझे दिए थे जो कि मेरे डूब गए, तो मेरे को कोई इनको रिटर्न नहीं करने और ये इस टाइप का ही आदमी है और मैं कोई लड़की वड़की बुलाऊंगा और पिल्स वगैरह दे के इसका ऐसे ही मैं काम तमाम करूंगा और मैं कोई इनके पैसे वापस नहीं करूंगा। वो ठहरे थे और जिनके फार्म हाउस में ये पार्टी आयोजित की गई थी। सतीश कौशिक के इस दोस्त का नाम है विकास मालू। विकास मालू की पत्नी के लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने इंस्पेक्टर स्तर की जांच शुरू कर दी है। तो सबसे पहले देखिए आखिर सतीश कौशिक के दोस्त विकास मालू पर उसकी पत्नी ने क्या आरोप लगाए। मैंने न्यूज में ये देखा कि सतीश कौशिक जी की डेथ हो गई है और न्यूज में आ रहा है कि डेथ फार्म हाउस पे हुई है और वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन भी मिली हैं, तो मुझे यही लगा कि ये एंगल भी हो सकता है उनकी डेथ का, क्योंकि मैंने ये आर्ग्यूमेंट अपने कानों से सुनी। विकास मालू की दूसरी पत्नी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी है। वैसे इस मामले का दूसरा पहलू ये भी है कि दूसरी पत्नी ने 2 महीने पहले विकास मालू पर भी रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। इस केस के बाद विकास मालू ज्यादातर दुबई में रहता है और होली की पार्टी के लिए खासकर दिल्ली आया था। अपने खिलाफ लगे आरोपों को लेकर विकास मालू ने इंस्टाग्राम पर सफाई दी है। विकास मालू ने लिखा है, सतीश जी 30 साल से मेरे परिवार का हिस्सा थे और दुनिया को मेरा नाम गलत तरीके से पेश करने में 1 मिनट नहीं लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती और ना ही इस पर किसी का बस चलता है। विकास मालू ने लिखा है कि अभी तक वो इस सदमे से नहीं उभर पाए। वैसे सतीश कौशिक की मौत के मामले में पुलिस अभी तक साफ कर चुकी है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया गया है और ना ही परिवार वालों की तरफ से किसी साजिश की आशंका जताई गई है। होली पार्टी के बाद सतीश कौशिक से असामयिक निधन से बॉलीवुड सहित अनेक करोड़ों चाहने वालों को जबरदस्त सदमा लगा है। अब उनकी मौत के मामले में इन नए आरोपों का सच क्या है? क्या विकास मालू की पत्नी ने निजी दुश्मनी की वजह से पति पर आरोप लगाए या फिर पैसों के लेन देन को लेकर दोस्ती में सचमुच कोई दरार आई थी? अब पुलिस जांच में इन सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।